हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम इस वक्त बाहर खड़े क्या कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त न्यूज है। हम नेक्स्ट आने वाली 10 वीडियोस में पाकिस्तान के 10 बेस्ट रैकेट स्पोर्ट्स स्टोर्स का रिव्यू करने जा रहे हैं, और न सिर्फ रिव्यू करने जा रहे हैं बल्कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ से आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिले। तो अभी इस वक्त हम कराची में मौजूद हैं और आप मेरे सामने देख रहे हैं द स्पोर्ट्स स्टोर। यकीनन जो बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, टेनिस या कोई भी स्पोर्ट लवर है इस नाम को ज़रूर जानता होगा। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन ऑनलाइन स्टोर इसको कंसिडर किया जाता है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को डील करते हैं। अभी हम अंदर जाते हैं तो इनका जो स्टोर है और ऑफिस जो है उसको टूर करते हैं और इनके ऑनर से बात करते हैं। तो आ जाएं। बेसिकली ये इनका ऑफिस ही है, इसको ऑफिस कम स्टोर कह सकते हैं। ऊपर इनका ऑफिस है जहाँ से ये सारे ऑनलाइन ऑर्डर्स को जो है वो डील करते हैं, और नीचे इनकी इन्वेंट्री और कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। कस्टमर को वीडियोस अगर बना के भेजनी है तो उसके लिए ये यूटिलाइज होता है। तो अंदर आ जाएं और देखते हैं। हम जैसे ही अंदर इंटर होते हैं तो आपको एक बड़ा ही कॉम्पैक्ट किस्म का, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे वैरायटी नज़र आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, शुरू में आपको टेनिस के रैकेट्स मिल जाते हैं, टेनिस की एक्सेसरीज मिल जाती हैं। यहाँ पे टेबल टेनिस बॉल पड़ी हुई है, ये शटल कॉक है, इसके बाद ये स्क्वॉश रैकेट्स हैं, उसके अलावा ये एडिडास के ओरिजिनल फ्रेम्स और रैकेट्स पड़े हुए हैं। विक्टर पड़ा हुआ है यहाँ पे, यूनिक्स पड़ा हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट ही है कि ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस बात पे कंसिडर किए जाते हैं कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को डील करते हैं। अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं द स्पोर्ट्स स्टोर के ओनर अली साहब। क्या हाल चाल है, खैरियत से आप? ठीक ठाक है। ये हमें यहाँ पे स्टोर के बारे में कुछ बताएंगे, फिर इनसे हम इनकी स्टोरी भी जानेंगे कि द स्पोर्ट्स स्टोर कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, और अभी ये किन किन ब्रांड्स को डील कर रहे हैं। तो अली साहब कैसे हैं आप? बहुत खैरियत से हैं। थैंक यू जी। अली साहब, हमारे व्यूअर्स के लिए आपने कोई ना कोई एक जबरदस्त सरप्राइज देना है, और ऐसा सरप्राइज होना चाहिए जो वो प्रोडक्ट इनको पूरे पाकिस्तान में कहीं और ना मिले। तो सबसे पहले तो वो आप हमें प्रोडक्ट दिखा दें क्या है, ताकि फिर उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू आगे कर सकें। आपको हम दिखाते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है क्रिकेट का बहुत क्रेज है, और क्रिकेट के हीरोज काफी पाकिस्तान में है। तो 2004-2005 में हम लोग टीवी देख रहे थे, उसमें क्रिकेट का मैच आ रहा था ऑस्ट्रेलिया से, उसमें एक क्रिकेट मेमोरेबिलिया बना हुआ था। ठीक है। तो मेरे और मेरे पार्टनर जो बिजनेस में पार्टनर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का भी होना चाहिए इसका। सही है। तो हमने पूरी प्लानिंग की और हमने पाकिस्तान के लीडिंग जो बैट्समैन है उनको हमने इन्वाइट किया, और ठीक है, और ये हमने ये क्रिकेट बैट है, ये ये फ्रेम में क्रिकेट बैट रखा हुआ है, ये पूरा एक प्रोडक्ट है ये। ओके। मैं आपको बैट नजदीक से दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, निकाल बिल्कुल। जरूर, ये तो बहुत ही जबरदस्त चीज लग रही है। जी जी, देखिए इसमें ओरिजिनल 250 बैट्स थे। ओके। अगर आप ओरिजिनल सिग्नेचर्स देखें, हनीफ मोहम्मद हैं, ये जावेद मियादाद हैं, जहीर अब्बास हैं, आसिफ इकबाल हैं। अच्छा, ये ओरिजिनल साइन है, प्रिंटेड नहीं है? नहीं, प्रिंटेड नहीं, ओरिजिनल साइन है, और ये इंग्लिश विलो बैट है, और हमने ये बनाया था 2005 में, और 250 बैट्स हैं। जैसे कि इस बैट का नंबर 103 है 250, यानी जैसे बिल्कुल एक स्पेशल एडिशन होता है, बिल्कुल उसके नंबर आता है, सीरीज होती है, बिल्कुल तो बिल्कुल इसी तरह सीरीज है, और 250 बैट्स हैं, और अभी कुछ बैट हमारे रह गए हैं। ठीक है, जो हमने बनाए थे, और हम आपके व्यूअर्स, आपके जो व्यूअर्स हैं, हम उनको कुछ स्पेशल डिस्काउंट इसमें जरूर ऑफर करेंगे। तो आप इसकी बताएं कि इसकी क्या प्राइस है, और हमारे व्यूअर्स को ये कितने का मिलेगा? देखिए, इसकी प्राइस सिर्फ अगर बैट खरीदते हैं तो उसकी प्राइस को 1,00,000 रुपए, बिकॉज ये एंटीक प्रोडक्ट है। देखिए, इस बैट की जो प्राइस जो अप्रिशिएट करने वाले के लिए, तो उसकी बहुत हाई प्राइस है। बिल्कुल, पाकिस्तान के जो सबसे बड़े लेजेंड्स हैं उनके साइंस हैं। तो इसमें हम आपके व्यूअर्स को 20% डिस्काउंट इसमें ऑफर कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट, ये हमें मेरे ख्याल में इससे ज्यादा डिस्काउंट कहीं पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है ये। अगर आप अपने पास रखना चाहें या किसी अपने लव्ड वन को गिफ्ट करना चाहें, तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। हमारे फ्रेम के साथ भी है, फ्रेम के साथ जो प्राइस इसकी अलग है वो हमारी वेबसाइट पे दी हुई है। अच्छा, ये फ्रेम, ये है, फ्रेम है इसका। ओके। अगर कोई व्यूअर जो है ये फ्रेम भी बाय करना चाहता है, वो चाहता है कि वो अपने ड्राइंग रूम में, अपने लिविंग रूम में इसको इसी तरह डिस्प्ले करना चाहता है, तो ये फ्रेम भी साथ में बाय कर सकते हैं। तो सर, फ्रेम की भी प्राइस बता दें। फ्रेम के साथ जो प्राइस है इसकी तकरीबन 2,00,000 रुपए है। ओके। फ्रेम के साथ, और ओरिजिनल वुड इंटरवुड से हमने बनवाया, जो 20% डिस्काउंट है दोनों पे। अच्छा, दोनों पे 20% डिस्काउंट है। चलें जी, ये तो मेरे व्यूअर्स के लिए गिफ्ट है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो किसी भी स्पोर्ट से तल्लुक रखते हैं, तो
तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज है, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में घर में घर की शान को बढ़ाने के लिए ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये साथ ही शूज की एक कंप्लीट रेंज पड़े हुए हैं, और जितने भी मुझे यहाँ पे ब्रांड्स नजर आ रहे हैं ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो कुछ हमारे हमें शूज के बारे में बता दें ये कौन कौन से ब्रांड्स हैं। एक बात ये है कि द स्पोर्ट्स स्टोर की यूनिक बात ये है कि हम एवरीथिंग यहाँ जो भी है ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स में जैसे कि हमारे पास जोनेक्स के इंटरकोर्ट शूज हैं, जो ओरिजिनल शूज हैं, ठीक है, ये बैडमिंटन के लिए, बैडमिंटन के लिए होते हैं, यूज होते हैं, गोल्फ के भी शूज हैं, ओके, आपके ये इसके डेकैथलन के शूज हैं, और एडिडास के गोल्फ शूज हैं इसमें हमारे पास, बेहतरीन हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये जोमा के शूज हैं, जोमा ये रनर्स हैं, रनिंग शूज, ये रनिंग बहुत बड़ा ब्रांड है जोमा, जो स्पेनिश ब्रांड है ये, बिल्कुल। इस तरह से हम अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 साल से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमारा क्लाइंट बेस। मैं अपने व्यूज को बता दूं कि इस वक्त मैंने एसिक्स के शूज बाय किए हुए हैं, और मैंने पूरे पाकिस्तान में सर्च की कि एसिक्स के शूज अगर बाय करने हो तो ओरिजिनल कहां से बाय हो सकते हैं, तो द स्पोर्ट स्टोर के रिव्यूज मुझे मिले, और मैंने अपने शूज भी इनसे ही बाय किए थे। तो इसका मतलब है अगर मैं कोई चीज किसी स्टोर से बाय कर सकता हूँ कि वहाँ पे ओरिजिनल चीज मिलेगी, तो 100% आपको वहाँ पे ओरिजिनल चीज मिलेगी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे गारमेंट्स आ जाते हैं। गारमेंट्स में गोल्फ ट्राउजर्स हैं, गोल्फ की जो ट्राउजर्स हैं पाकिस्तान में बहुत रेयर है, मिलती नहीं है, बिकॉज गोल्फ की बड़ी स्पेशल ट्राउजर होती है, ठीक है। ओवरऑल जो गोल्फ के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, आपके पास सारी रेंज है, गोल्फ की काफी रेंज है, और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, एडिडास है इसमें, पूमा है, और लोकल भी हमने इसमें स्टिचिंग करवाई हुई है पाकिस्तान में। स्पेशली जो आर्मी पर्सन हैं वो गोल्फ के बड़े शौकीन होते हैं, तो अगर उनमें से कोई ये वीडियो देख रहा है और गोल्फ के कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहता है तो जरूर इनको जो है वो कॉन्टेक्ट करें। अच्छा, उसके बाद कुछ जिम के प्रोडक्ट्स पड़े हुए, फिटनेस इक्विपमेंट है हमारा, जो प्रोडक्ट है फिटनेस में काफी बड़ा, हमारे टॉप स्पोर्ट है हमारा, फिटनेस प्रोडक्ट्स है इसमें, हमारे पास कम्प्लीट रेंज है, वेट्स है, स्ट्रेंथ इक्विपमेंट है, मशीन्स हैं सारी, उसके अलावा योगा की चीज़ें हमारे पास काफ़ी ब्रॉड रेंज है, योगा की हमारी बहुत बड़ी क्लाइंट बेस है, जो हमारे क्लाइंट बेस ये है कि वो काफ़ी हमारी जो है रिपीट सेल बहुत हाई होती है, ठीक है। रिपीट सेल का मतलब वही होता है कि कस्टमर को कॉन्फिडेंस है और ट्रस्ट होता है, हमारी कस्टमर सर्विस माशाल्लाह, अभी हमारे यहाँ रिटर्न पॉलिसी बहुत फ्लेक्सिबल है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आई है तो रिफंड हो जाती है, वो आप रिटर्न। अच्छा, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है, यूजली पाकिस्तान में जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं उनमें ये चीज़ जो है वो कम पाई जाती है कि अगर वहाँ से कोई चीज़ बाई की है और अगर किसी भी कोई भी इशू की वजह से आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो वो ब्रांड्स या वो ई कॉमर्स के जो बिजनेस ओनर्स हैं उसको ऑन नहीं कर रहे होते, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ये पूरी तरह आपको इस चीज़ में इंटरटेन करेंगे। अच्छा, अब अभी हम अपने व्यूअर्स को, जो हमारी सबसे ज़्यादा ऑडियंस है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वाश और टेनिस की, तो उस रेंज की तरफ आते हैं और उसके बारे में कुछ इनसे पूछते हैं। अच्छा, आपके पास ये एडिडास के जो फ्रेम्स हैं बिल्कुल ओरिजिनल हैं, जैसे आपने बताया, तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। यूजली आप जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स भी देखते हैं या अगर आप फिजिकल स्टोर्स को भी विजिट करते हैं तो उसमें आपको एडिडास जैसा ब्रांड जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि बहुत कोई इसमें तारुफ का मोहताज नहीं है। तो एडिडास के यहाँ पे फ्रेम्स पड़े हुए हैं, उसके बाद विक्टर के फ्रेम्स पड़े हुए हैं, आप यहाँ पे यूनिक्स की स्ट्रिंग्स देख सकते हैं, टेबल टेनिस में आ जाए तो डोनिक पड़ा हुआ है, और उसके बाद आप टेनिस में आ जाए तो आपके पास डनलॉप फोर्ड पड़ा हुआ है, और टेबल टेनिस में आप यहाँ पे देखें कि आपको ये सनवाई की ABS HD यहाँ पे अवेलेबल है, और उसके अलावा ABS Pro जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज होती हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल है। हमारा सनवाई का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है माशाल्लाह, आप लोगों ने ये ब्रांड बड़ा अच्छा इंट्रोड्यूस किया है और बहुत अच्छी डिमांड है जी। हमारी भी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान में जिस तरह ये 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, हम भी 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करें। तो अभी सर हम आपसे आपके स्टोर की स्टोरी जानना चाहेंगे, तो आपके ऑफिस चलते हैं और वहाँ पे जाके बाकी बात करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त हम आ चुके हैं द स्पोर्ट्स स्टोर के ऑफिस में, वो जगह जहाँ पे आपके प्लेस किए हुए ऑर्डर जो है वो प्रोसेस होते हैं, तो आ जाए जरा छोटा सा ऑफिस का टूर भी कर लेते हैं और फिर इनसे गपशप करते हैं। अब जैसे ही अंदर इंटर होते हैं तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही बिजी किस्म का ये ऑफिस है, जहाँ पे इनकी सारी टीम बैठ के आपके प्लेस किए हुए ऑर्डर्स को प्रोसेस करते हैं और सारी चीज़ें यहीं पे हो रही होती हैं, यानी बैकएंड पे जो भी चीज़ें हो रही होती हैं इसी ऑफिस पे हो रही होती हैं। हमारे साथ इस वक्त द स्पोर्ट्स स्टोर के ओनर हैं, इनके साथ ज़रा गपशप करते हैं और असल जो स्टोरी है स्पोर्ट्स स्टोर की वो जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अली भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं अली भाई? सबसे पहले तो ये बताएँ कि ये स्टोर
कब आपने स्टार्ट किया था? ये 2016 में मैं UBL से मैंने रिटायरमेंट ले ली थी, अर्ली रिटायरमेंट ले ली, और मेरा शौक था स्पोर्ट्स की तरफ। तो ये हमने बिजनेस शुरू किया, मेरे दोस्त थे, मेरे पार्टनर थे जो मेरे क्लास फेलो भी थे, तो हमने मिलके डिसाइड किया कि पाकिस्तान में अच्छा स्पोर्ट्स स्टोर, ऑनलाइन स्पोर्ट्स स्टोर नहीं है। सही है। तो मैं US वगैरह जाता था, वहाँ शॉपिंग करता था ऑनलाइन, तो बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स स्टोर। तो फिर हमने सोचा कि, और हमारा ये था कि हम ऐसी प्रोडक्ट ऑफर करेंगे जो कि ओरिजिनल जेन्युइन होंगी और बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस करेंगे। तो ये हमारा आइडिया था, सारा पैशन यही था हमारा। ओके ओके। अच्छा, आप खुद स्पोर्ट्स खेलते हैं, और आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? मैं क्रिकेट खेलता था, फिर गोल्फ मैंने शुरू की, स्विमिंग और फिटनेस जिम वगैरह में जाना होता है। आप खुद एथलीट हैं, तो आपको अच्छी तरह पता है कि कौन से प्रोडक्ट्स, उनकी क्या क्वालिटी है और कस्टमर को क्या देने। आप हमें ये बताएं कि आप अभी, अगर एक नंबर पूछूं, मुझे पता है कि आप बहुत सारे ब्रांड्स में डील कर रहे हैं, लेकिन एक नंबर बताएं कि आप टोटल कितने ब्रांड्स को डील कर रहे हैं? अराउंड 45-50 ब्रांड्स हैं हमारे पास जो डील करते हैं, जिसमें कुछ तो थोड़े से इनएक्टिव हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्टिव ब्रांड्स हैं। और हम डायरेक्टली और जो भी सप्लायर होते हैं उनसे डील करते हैं, और हमारा यही होता है कि हम डायरेक्ट करें और हम प्रोडक्ट को जो है ना पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें क्वालिटी। ठीक हो गया। आपकी ऐसी नीच जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसी स्पोर्ट्स जो आपकी, जिसमें आपकी सेल्स सबसे बेहतरीन है? देखिए, हमारा नीच जो आप समझते हैं स्विमिंग है। ओके। हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने अरीना, जो इटली की एक बहुत बड़ी कंपनी, पूरी दुनिया की एक वन ऑफ द टॉप स्विमिंग कंपनी है, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान में। हम उसके जो है, हमारी जो नीच है वो हमारे पास उनके कॉम्पिटिशन वेयर है। जो कॉम्पिटिशन रेसिंग गेयर होता है, वो पाकिस्तान में स्कूल्स के कंपटीशन होते हैं, मेंस और वुमेन के कंपटीशन होते हैं, तो अगर आप वो गेयर पहन लेंगे तो आपकी स्पीड में इजाफा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, उसे मिली सेकेंड्स का इजाफा होता है, लेकिन आप रेस जीत जाते हो। तो वो हमारी मार्केट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पे प्रमोट किया उसको, और हमारा बहुत अच्छा वो। तो अगर ये कहा जाए कि अरीना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली स्पोर्ट्स स्टोर पे मिले? जी जी बिल्कुल, एक्सक्लूसिवली हमारे यहाँ मिलते हैं। पाकिस्तान में और कहीं अरीना जो है ना किसी और को सेल नहीं करता ये प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अब आप हमारे व्यूज़ को ये बताएं कि कोई भी ऐसा कस्टमर, कोई भी स्पोर्ट्स में कोई भी चीज़ बाय करना चाहता है, तो वो क्यों द स्पोर्ट्स स्टोर को चूज़ करे? देखिए, एक तो ये कि हम सिर्फ जेन्युइन प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट बेचते हैं। और ये कि हमारी प्राइसेस बड़ी कंपेटिटिव हैं, ऑनलाइन प्राइसेस हैं, आपको पता है ऑनलाइन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्राइस हाई कर दें और फिर डिस्काउंट एक सेकंड में लोग देख लेते हैं, सबको पता होता है। बिल्कुल ऐसे। तो हमारी प्राइसेस भी बड़ी कंपेटिटिव है, और हमारी रिटर्न पॉलिसी बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है और आपने इस्तेमाल नहीं किया वो प्रोडक्ट, तो आप वापस कर सकते हैं, हम फुल रिफंड उसको कर देते हैं। ये नहीं कि हम क्रेडिट रखते हैं और उसे कहेंगे फ्यूचर में आपकी सेल्स एडजस्ट करेंगे, वो नहीं करते हम। तो हमारी आई थिंक यही है कि हमारे यहाँ जो कस्टमर शॉप करता है ना, बहुत कॉन्फिडेंटली शॉप करता है कि ठीक है यार, मुझे अगर पसंद नहीं भी आया प्रोडक्ट तो मैं, पता है मुझे, मेरे पैसे नहीं फंसेंगे यहाँ। तो वो हमारी USP है, और हम उसको बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट भी करते हैं। सही हो गया। वैसे तो ये है कि ये एक सिंगल बात जो है वो काफ़ी है आप किसी भी जो ऑनलाइन बिजनेस है उस पर ट्रस्ट करने के लिए, कि उनकी जो रिटर्न पॉलिसी है वो इतनी फ्लेक्सिबल है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो आप, मेरी ऑडियंस जो है वो इस बात पे ज़रूर यकीन कर सकती है कि अगर हम इस स्टोर का, इस बिज़नेस का रिव्यू कर रहे हैं, तो यकीनन मैं यही चाहूँगा कि मेरे जो व्यूज़ है, मेरे जो ऑडियंस है, उन तक अच्छी ओरिजिनल और सस्ती चीज़ मिले। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी क्वेश्चन, आप हमारे ब्रांड जो हैं यूटेक के जो ब्रांड्स हैं, प्रोकेनिक्स हो गया, सैनमाई हो गया, झूला हो गया, कंपो हो गया, उसके अलावा हमारा टान ब्रांड हो गया, इन सारे ब्रांड्स का क्या रिस्पांस देखते हैं आपको? ओवरऑल इनकी क्वालिटी कैसी लगती है? देखिए, अभी तक माशाल्लाह से हम आपके साथ बिजनेस करते हुए टाइम हो गया है, और आपको आइडिया है कि हमारी कभी कोई अभी तक कंप्लेंट नहीं आई है किसी प्रोडक्ट की। ऐसा ही है बिल्कुल। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सैनवी की जो बॉल्स हैं, आपको पता है डिमांड कितनी हाई है, हमने काफ़ी सेल किए हैं। प्लस प्रो कनेक्ट का भी बहुत अच्छा है, कंपू शूज़ का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। तो आई थिंक ओवरऑल एक वी आर हैप्पी। देखें, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कस्टमर को फेस करते हैं। ऐसे ही। और हमारा ये नहीं है कि हम खुद चीज़ें इंपोर्ट करें और फिर उसमें इन्वॉल्व हों। हम चाहते हैं कि कस्टमर को बेहतरीन सर्विस और बेहतरीन प्रोडक्ट्स ऑफर करें। तो इस हमारी जितनी प्रोडक्ट लाइन में जो आपकी जो प्रोडक्ट है, यूटेक की जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छी फिट होती हैं। वो एक ऑप्शन दे देती हैं कि बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड अगर कोई है, उसका एक बहुत अच्छा अल्टरनेट भी उसको मिल रहा होता है। तो ये आई थिंक माशाल्लाह से, और आई लुक फॉरवर्ड कि हमारी अच्छी इसमें इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम अपने कस्टमर्स को
अच्छी तरह अवेयरनेस दे सकें, उनके लिए अच्छे अच्छे ब्रांड्स पाकिस्तान में ला सकें, ओरिजिनल और अच्छी प्राइजेस पे ला सकें। तो आपसे सर बात करके और आपका स्टोर विजिट करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये खूब फले फूलेगा, और आप इंशाल्लाह जैसे आप बता रहे हैं कि आप फ्यूचर में स्टोर्स भी अपने लॉन्च करने जा रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट करके बताएं अगर आपका एक्सपीरियंस रहा है द स्पोर्ट्स स्टोर के साथ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है। इंशाल्लाह एक नई एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।